हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट 1 meter, 1 meter, 1 meter। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस वुड बी। सो बच्चों, गिवन है हमें एक पार्टिकल जिसका मास है 1 kg और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 1 इन मीटर। यहाँ पर वन, फर्स्ट जो वन है वो डिनोट करता है एक्स कोऑर्डिनेट को, सेकेंड वन डिनोट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड द थर्ड वन डिनोट्स जेड कोऑर्डिनेट। तो हम अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इंडिकेट करते हैं तो बच्चों कुछ इस तरह से हमारे पास में 3D का डायग्राम बन जाएगा। दीज आर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ऑर्थोगोनल सिस्टम बन चुका है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम ये पॉइंट है हमारे पास 3D में 1, 1, 1। तो हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट। इट मींस इस तरह से ये पार्टिकल रोटेट करेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पार्टिकल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 स्क्वायर से ये। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन मीटर। तो ये मिल गया हमें The perpendicular distance from Z axis. अब apply करेंगे हम moment of inertia का expression, which is mass multiplied by the perpendicular from Z axis distance का square. So ये आ जाएगा 1 multiplied by square root of 2 का square. So answer will be 2 in SI unit kg meter square. So correct answer will be option B. Thank you.